हेलो दोस्तों, स्कोरशाला के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th के आईटी में बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1 को लेकर के। दोस्तों चैप्टर नंबर 1 जो अपने पास है वो है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो अपने पास चैप्टर है दोस्तों वो एक पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स का, जो कि हमारे क्लास 10th के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एक पार्ट है। दोस्तों ये चैप्टर जो है वो हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। तो हम भी आज बात करने वाले हैं मेथड ऑफ कम्युनिकेशंस को लेकर के, कौन कौन से मेथड्स होते हैं कम्युनिकेशन में, उनको किस तरीके से हम लोग जो है वो यूज करते हैं, वो फिर कितने टाइप से डिवाइड हो जाते हैं, कम्युनिकेशंस क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग आज इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं आखिर कम्युनिकेशन है क्या। तो डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, देखिए कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस पर्सन और ग्रुप टू अनदर। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, जब हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं, जैसे मैं अपनी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता हूं, तो एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को भेजता है, किसी एक जगह से इंफॉर्मेशन जब दूसरी जगह पे जाती है, कोई एक ग्रुप से इंफॉर्मेशन दूसरे ग्रुप में जाती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डेटा ट्रांसफर होना, या कह सकते हैं मैसेज का ट्रांसफर होना। और दोस्तों जब भी हम लोग अपने आइडियाज, अपने मैसेज, अपने व्यूज, अपने थॉट्स है ना, तो इनको जब अपन शेयर करते हैं तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जब आप कोई भी अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो, ट्रांसफर करते हो किसी दूसरे लोगों को, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, इसी तरीके से कहेंगे एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एटलीस्ट एक सेंडर होगा, उसमें एक मैसेज होगा और एक रिसीवर होगा। जैसे दोस्तों अगर मैं कहूं तो मैं एक सेंडर हूं, आप एक रिसीवर हैं, और मैं आप तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं, कोई मैसेज पहुंचा रहा हूं। जैसे सपोज आप देखते होंगे स्कूल में आपको एक मैसेज मिलता है कि कल स्कूल का हॉलिडे है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक सेंडर है जो इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, आप रिसीवर हैं जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, और वो इंफॉर्मेशन आपकी क्या कहलाएगी यहाँ पर, एक मैसेज। ठीक है, तो एटलीस्ट तीन चीजें तो होती ही होती है। इसी तरीके से कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, तो दोस्तों कह सकते हैं एक लैटिन वर्ड है अपने पास, एक लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है कम्युनिकेयर। इस कम्युनिकेयर का मतलब होता है दोस्तों टू शेयर, मतलब जब आप कुछ शेयर करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो वो टू शेयर का मतलब क्या है यहाँ पर, कम्युनिकेयर। और कम्युनिकेयर से एक शब्द बना है जो क्या है आपके पास में, कम्युनिकेशन। तो दोस्तों कम्युनिकेशन वर्ड कहां से बना है, कम्युनिकेयर शब्द से। इस चीज को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू लेवल पे आता है, इसी तरीके से ये कई बार फिलिप्स में भी आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन थी जो मैंने आपके सामने अंडरलाइन करके दिखाई है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि अपना चैप्टर का नाम है, तो दोस्तों जो कम्युनिकेशंस अपने पास है वो होते हैं तीन तरीके के। एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल, और एक होता है आपके पास विजुअल। ये तीन नाम आपको जानना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में जो एमसीक्यूज कई बार आते हैं तो वो इसके बेस पे आते हैं, इनमें से एक कम्युनिकेशन का मेथड नहीं है। तो कौन सा है, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल, एक होता है विजुअल। वर्बल का क्या मतलब है दोस्तों, जिसमें अपन कोई लैंग्वेज को यूज करते हैं, कोई स्पोकन लैंग्वेज हो सकती है, रिटन लैंग्वेज हो सकती है, वो आपके पास है वर्बल लैंग्वेज। जैसे दोस्तों मैं अगर कुछ लिख रहा हूं इंग्लिश में, हिंदी में, तमिल में, गुजराती में, या मैं कुछ लैंग्वेज को बोल रहा हूं, तो जहां अपने पास में कोई स्पोकन लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज आती है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। ऐसी दोस्तों एक होती है नॉन वर्बल अपने पास कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल में क्या होता है, हम कोई शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं, हम कोई वर्ड्स यूज नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, केवल इशारों से बातें कर सकते हैं। जैसे अगर मैं किसी क्लास में किसी स्टूडेंट को ऐसे करता हूं, तो सपोज वो खड़ा हो सकता है, मैं वापस इस तरीके से इशारा करूं तो वो बैठ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मैंने उसको बोला नहीं है, बस मैंने उसको इस तरीके से और इस तरीके से इशारे से किया है। ठीक है, मैं कई बार ऐसे पूछता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है, तो कुछ लोग गर्दन ऐसे हिलाते हैं, यस सर यस सर, तो सिर्फ गर्दन हिला करके वो एक इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, एक मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो जिसमें बॉडी लैंग्वेजेस यूज होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और इसी तरीके से अपने पास होता है एक विजुअल कम्युनिकेशन। तो दोस्तों विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जब कोई इंफॉर्मेशन आपको शेयर की जाती है किसी इमेज के थ्रू,
ग्राफ के थ्रू, चार्ट के थ्रू, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन। इसका एक अगर आपको एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा कई बार जब हम लोग अपने स्कूल्स में जब जा रहे होते हैं तो सीढ़ियां कहाँ हैं, तो स्टेयर का आपको एक रास्ता बताया जाता है, इस तरीके से एक एरो बना दिया जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि फैसिलिटीज कहाँ है, लाइक टॉयलेट्स वगैरह कहाँ है, तो वो आपको एरो बना करके एक सिंबल होता है, ये मेल टॉयलेट है, ये फीमेल टॉयलेट है। इसी तरीके से पानी के लिए आपके पास जो टैप है वो कहाँ पर लगा हुआ है, तो वो सब आपको यहाँ पर जो विजुअल कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। आप सड़क पे जा रहे हैं, स्पीड आपकी 60 ही होनी चाहिए सपोज, ठीक है। इसी तरीके से यू टर्न जो है उसपे क्रॉस करा हुआ होता है, एक पी लिखा होता है, इसका मतलब आप समझ जाते हो ये एक पार्किंग है। मतलब कितनी सारी चीजें हैं, आप देखते होंगे दोस्तों कई बार न्यूज चैनल में भी देखते हैं जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो वहां एक चार्ट बना करके दिखाया जाता है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं बार चार्ट है, ग्राफ चार्ट है, पाई चार्ट है, ऐसे बहुत सारे टाइप के चार्ट हो सकते हैं या कॉलम चार्ट कह सकते हो। वो सब किसके एग्जाम्पल है आपके पास, विजुअल कम्युनिकेशन के, जिसको देख करके आप तक इन्फॉर्मेशन आपको, मतलब देख करके इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो अलग अलग टाइप के आपके पास मैथड है, कौन सा है, देर आर थ्री बेसिक्स कह सकते हैं मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन। आई थिंक दोस्तों ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से अभी हम इसमें से एक एक को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है दोस्तों आपके पास वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा, जैसे मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर जो हम लोग अपना मैसेज पहुंचाते हैं उसमें क्या है कि हम लोग कोई वर्ड्स यूज करते हैं, चाहे वो रिटन हो चाहे वो ओरल हो, ठीक है। तो कह सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड्स इन डिलीवरिंग द, ठीक है, इंटेंडेड मैसेज। तो जो भी आप मैसेज भेज रहे हैं उसके लिए आप कोई वर्ड्स को यूज करते हैं, चाहे बोल करके चाहे लिख करके। तो मैं आपको आगे भी बताऊंगा दोस्तों कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है ये फिर से अपने पास दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक ओरल में हो जाएगा और एक रिटन में हो जाएगा। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या, जिसमें कोई वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक लाइन है कि वर्ड्स आर द मोस्ट एक्यूरेट एंड पावरफुल टूल टू एक्सप्रेस एंड शेयर आइडिया। तो दोस्तों जनरली अगर अपन बात करें, जब मैं किसी के साथ कम्युनिकेशन करूंगा तो हाँ मैं दोस्तों उसमें बॉडी लैंग्वेज को यूज करूंगा, लेकिन साथ साथ में मुझे वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे जिसके बेस पे मेरा एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। इसी टाइप से कह सकते हैं देर आर टू प्राइमरी फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, फर्स्ट क्या है ओरल कम्युनिकेशन और सेकंड क्या है आपके पास रिटन कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या, जिसमें आप कोई वर्ड्स यूज करते हैं, बेसिकली वर्बल दो टाइप के होते हैं दोस्तों, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो फर्स्ट अपने पास आएगा ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जिसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, स्पोकन वर्ड्स यूज करते हैं। तो ऐसी कोई भी लैंग्वेजेस, चाहे आप हिंदी में बोले, चाहे आप इंग्लिश में बोले, चाहे आप गुजराती, तमिल, मराठी, मलयालम, किसी भी लैंग्वेज को दोस्तों यूज कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आप बोल रहे हैं तो वो आपके पास स्पोकन वर्ड है, और स्पोकन वर्ड को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ओरल कम्युनिकेशन। तो कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज थ्रू स्पोकन वर्ड इज नोन एज ओरल कम्युनिकेशन। अब ओरल कम्युनिकेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो हम लोग देखते भी हैं। जनरली आप अपने साइड से कुछ भी लिख सकते हैं, मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे दोस्तों मैं कह सकता हूं टेलीफोनिक कन्वर्जन, जब आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों कि वहां पर जो है हम लोग कुछ वर्ड्स को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि स्पोकन वर्ड को यूज कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी यूज करते हैं आप, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें तो उसमें भी आप बोलते हैं, हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग ओरल के साथ साथ यहाँ पर जो है वो कह सकते हैं कि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी यूज करते हैं, लेकिन मेन जो अपन बात करते हैं उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी क्या है, अपने पास ओरल कम्युनिकेशन है। इसी टाइप से दोस्तों आजकल आपके पास जो वॉइस मेल्स होती है, जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह पे भी अगर आप वॉइस नोट भेजते हैं तो उसमें भी क्या आप स्पोकन वर्ड यूज कर रहे हैं। इसी टाइप से अगर आप कहें तो जनरल कन्वर्सेशन जो अपन करते हैं किसी के साथ में भी, आप जो भी स्पीचेस सुनते हैं, आप जो बोलते हैं, आप जहां कहीं पर भी किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी सेमिनार में जाते हैं, किसी भी ग्रुप डिस्कशन में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सब दोस्तों आपके पास किसका एग्जाम्पल है यहाँ पर, ओरल कम्युनिकेशन का। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा आखिर ओरल कम्युनिकेशन है क्या। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अपने पास है फैक्टर्स टू इम्प्रूव ओरल कम्युनिकेशन। आप ओरल कम्युनिकेशन को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपने पास कुछ फैक्टर्स है दोस्तों जो बड़ा इफेक्टिव होता है आप अपने ओरल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले आपके पास है यहाँ पर स्पीचेस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर स्पीचेस को देखें
तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर क्लियरिटी इन प्रोनंसिएशन, मतलब जो आप बोल रहे हैं, जो शब्दों का प्रयोग आप करें, जो वर्ड्स आप यूज करें, वो वर्ड्स जो आपके हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मतलब आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं कि उस वर्ड का कुछ दूसरा मीनिंग निकल जाए, ठीक है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, आपके पास यहाँ पर वॉकैब कह सकते हैं कि यहाँ पर चॉइस ऑफ वर्ड्स भी आपको अच्छे से यूज करने हैं। ऐसे वर्ड यूज करिए जो सामने वाला इजीली समझ सके। कई बार क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें थोड़े कह सकते हैं कि टफ वर्ड्स को यूज करते हैं, ऐसे वर्ड जिसके लिए शायद हमको डिक्शनरी ओपन करनी पड़ सकती है या अपन मोबाइल में गूगल करें। तो यहाँ पर ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं करें आप जब भी किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने ओरल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको वर्ड्स जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अपन जो शब्द किसी के सामने रखते हैं, जो वर्ड्स किसी के सामने रखते हैं, वो वर्ड्स आपके बहुत ज्यादा सिंपल होने चाहिए, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन थोड़ा स्ट्रांग होता है। इसी टाइप से रिदम यानी कि फ्लुएंसी अपने पास होनी चाहिए जब अपन बोल रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बोलते बोलते बीच में बहुत ज्यादा गैप लेते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं फिर धीरे से हो जाते हैं, फिर एकदम चुप हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद उनको फिर कुछ कहना होता है, तो वो अपने कम्युनिकेशन में क्या गैप ज्यादा लेते हैं। जब गैप ज्यादा होगा तो दोस्तों हमारा जो ओरल कम्युनिकेशन है वो अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके जो वर्ड्स के बीच का स्पेस है, मतलब जो गैप है, वो आपका एकदम इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो इसका जो रिदम है, आपकी जो फ्लुएंसी है बात करने की, वो आपकी एकदम करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपके पास टोन, जो टोन आप यूज करते हैं बोलने के लिए। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो अलग टाइप के टोन में बात करते हैं, तो वो जो आपके पास टोन है बोलने का, जो तरीका है आपके पास, ठीक है, तो वो आपके पास एकदम प्रॉपर होना चाहिए। इसी टाइप से आपका वॉल्यूम और आपकी जो पिच है, ठीक है, जब आप बोल रहे हैं तो बहुत ज्यादा धीरे भी नहीं बोले, ठीक है। अगर आप बहुत धीरे बोलेंगे तो आपकी बात शायद सामने वाला सुन नहीं पाएगा। कई बार होता है लोग बहुत चिल्लाते हुए बहुत जोर से बोलते हैं, वो भी आपका नहीं हो, तो वॉल्यूम और पिच को भी अपन को यहाँ पर ध्यान रखना होता है। इसी टाइप से लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन, जब हमारी कम्युनिकेशन है, मतलब जब मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, तो दोस्तों वो बातचीत जो अपनी है, जो मैसेज मुझे देना है, वो शॉर्ट में देना चाहिए। बहुत ज्यादा अपना मैसेज जो है वो खींचे नहीं एक भाषण की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन भी अपनी शॉर्ट होनी चाहिए, जिससे कि हम हमारा मैसेज इजीली सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे थे, एक स्पीच है, वॉकैब है, रिदम है, टोन है, वॉल्यूम है और लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमारा ओरल कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है। इसी तरीके से दोस्तों अगर अपन देखें तो यहाँ अपने पास कुछ और भी ऑप्शंस थे, जैसे टिप्स है अपने पास कुछ कि आप अपना ओरल कम्युनिकेशन और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो यही है, रीड आउट लाउड। कई बार क्या होता है अपन कुछ लैंग्वेजेस यूज करते हैं तो उस टाइम पर अपन उसको किस तरीके से बोले शायद अपने को नहीं पता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं, अगर आप अपना ओरल कम्युनिकेशन स्ट्रांग करना चाहते हैं, होगा आपका बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका ओरल कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होता है, तो उनके लिए अपने पास कुछ टिप्स है। सबसे पहले क्या है, रीड आउट लाउड, मतलब जोर से आप रीड करिए, चाहे आप भले बंद कमरे में बैठिए, जो आप पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा जोर से बोलिए, जिससे कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। इसी टाइप से कह सकते हैं मेक ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ योर रीडिंग, तो जो आप रीड कर रहे हैं, कई बार क्या होता है हम लोग जो बोलते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आप बोले, आप खुद की रिकॉर्डिंग बनाए, चाहे आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करें चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग करें, फिर आप देखें खुद की रिकॉर्डिंग, खुद ही देखें, आप देखें कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो कैसी है, क्या आप खुद उसको पसंद कर रहे हैं, उसमें क्या कमी है, उन कमियों को आप दूर कर सकते हैं। इसी टाइप से है टेक नोट्स ऑफ द एरियाज यू नीड टू वर्क ऑन, फिर ध्यान रखें कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आपको और इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। उसके बाद है टॉक टू पीपल इन द मैनर दैट शोज इंटरेस्ट, तो लोग किस तरीके से कौन सी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, उस टॉपिक के बारे में आप बात करें जिससे कि लोग भी आपसे बात करें और आप भी लोगों के साथ इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसी टाइप से टेक पार्ट इन द एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्स पब्लिक स्पीकिंग, तो जो भी पब्लिक स्पीकिंग होती है, जैसे आपकी स्कूल्स में भी देखा होगा आप लोगों ने, ऑलमोस्ट सीबीएसई बेस्ड सभी स्कूल्स के अंदर एक प्रोग्राम होता रहता है, हम लोग हर हफ्ते 15 दिन में एक प्रोग्राम करते रहते हैं, जिसमें क्या होता है सभी स्टूडेंट्स को जो स्टेज पे आने के चांस मिलते हैं, आप अपनी बात लोगों तक कह सकते हैं अलग अलग इवेंट्स के थ्रू। तो यहाँ पर आप जो है इन्वॉल्व होइए कुछ पब्लिक स्पीकिंग में, ठीक है, चाहे आप अपनी स्कूल से रिलेटेड होइए या अपने एरिया में अलग अलग जगह पर भी आप अपने कह सकते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, जो कि आपके ओरल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के कुछ पॉइंट्स थे, कुछ टिप्स थे।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। नेक्स्ट है अपने पास में, जैसे अपन ओरल देख रहे थे अभी, नेक्स्ट क्या है अपने पास, रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, यूज रिटन वर्ड्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन, जिसमें क्या होगा आपके पास कोई रिटन वर्ड्स होंगे, ठीक है। इसमें कह सकते हैं इट इज द मोस्ट फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल क्यों हो गया, देखिए मैं कई बार क्या है कि ऐसे ही बोल देता हूं, ठीक है। और एक होता है लिख करके देना, ठीक है, जैसे अपन कहते भी कई बार के बोलने से कुछ नहीं, लिख करके दो वो प्रूफ माना जाता है। हम अगर स्कूल में जाए दोस्तों, फीस जमा कराएं, रिसिप्ट नहीं ले, तो हो सकता है ना कि कुछ दिनों बाद जब हमको पता चले यार कि हमारी फीस जमा है लेकिन फिर भी हमारा नाम उस लिस्ट में आ चुका है कि हमारी फीस जमा नहीं, हम जाके बोले हमने फीस जमा कराई, हो सकता है दोस्तों सामने वाला भूल जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिसिप्ट लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिसिप्ट आपके सामने आई है, इसी तरीके से आपने देखा होगा जैसे स्कूल में जब अपन एडमिशन लेते हैं, इनफैक्ट टीसी भी जब लेते हैं तो क्या बोलते हैं, एक एप्लीकेशन दीजिए। जब हम लोग स्कूल में छुट्टी वगैरह कुछ लेते हैं ना, हॉलीडेज पे अगर हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन लिख के देते हैं। इट मीन्स क्या हो गया है कि ये आपके पास में सारे कुछ फॉर्मल कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे लेटर्स कह सकते हैं, रिपोर्ट्स कह सकते हैं, रिज्यूम्स कह सकते हैं, ब्रोशर्स कह सकते हैं, कुछ सर्कुलर कह सकते हैं, मेमोरेंडम्स कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स जो अपने पास होते हैं, नोटिस जो अपने पास होते हैं, ये सब क्या है आपके पास, एक एग्जाम्पल है किसके, कह सकते हैं रिटन कम्युनिकेशन के, जिसमें हम लिखते हैं, ठीक है। तो रिटन कम्युनिकेशन है। इसी तरीके से कह सकते हैं SMS एंड मैसेजेस लाइक WhatsApp, Facebook, Instagram, ईमेल, ये सब आपके पास क्या स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ रिटन कम्युनिकेशन होते हैं। तो आप WhatsApp पे टेक्स्ट भेज रहे हैं, आप चाहे WhatsApp, Facebook, Instagram, ईमेल, जो भी आप टेक्स्ट भेजते हैं लिख करके दे, ये सारे किसके एग्जांपल्स में आएंगे दोस्तों, रिटन कम्युनिकेशन। और ओरल और रिटन दोनों किसके थे, वर्बल के ही पार्ट थे, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर अपन देखें कि अपन अगर अपना रिटन कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या टिप्स है, तो उसके लिए सबसे पहले टिप्स तो क्या है कि आपके पास एक्सपांड योर वोकैब एंड लर्न न्यू वर्ड, आप नए नए शब्दों को सीखना शुरू करें, अपनी वोकैबुलरी जो है उसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना, उसको एक्सपांड करना पड़ेगा। इसी टाइप से कह सकते हैं कि या कह सकते हैं फॉर्म सेंटेंसेस यूजिंग दिस वर्ड, यानी कि जो आप नए नए शब्द, जो न्यू वर्ड्स आप सीख रहे हैं, उन वर्ड्स के बेस पर आपको क्या करना है, एक नया सेंटेंस जो है वो क्रिएट करना है, जिससे क्या होगा आप उन्हें एक नया सेंटेंस बनाएंगे, बोलेंगे, लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो वर्ड्स आपके माइंड में रहेंगे और उस वर्ड्स को किस तरीके से यूज किया जा सकता है वो आप सीखेंगे, जिससे कि रिटन कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग होता है। इसी टाइप से कह सकते हैं लर्न टू स्पेल वर्ड्स करेक्टली, ठीक है। इसी टाइप से मास्टर इंग्लिश कह सकते हैं स्पेलिंग यूजिंग फ्लैश कार्ड। तो आप फ्लैश कार्ड शायद आप लोग जानते होंगे, एक छोटा सा कार्ड होता है दोस्तों, जिसके ऊपर मैं कई बार भी इसको यूज कर चुका हूं। तो फ्लैश कार्ड में क्या होता है कि हम लोग वहां पर एक वर्ड लिखते हैं और उस वर्ड के सामने उसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, उसका हिंदी में मीनिंग जो भी है, और वो कार्ड में दोस्तों अपनी पॉकेट में रखा करता था पहले। अब उसके बाद जब भी आप फ्री हो, कुछ नए वर्ड्स हो, पॉकेट से आपने बाहर निकाला, पढ़ा, वापस डाल दिया, हार्डली आपको दोस्तों 5 से 10 सेकंड्स लगते हैं उसको एक बार देखने में। तो दिन भर में आप जब भी फ्री हुए, कार्ड निकाला, चेक किया, वापस आपने डाल दिया, तो उसको अपन बोलते हैं फ्लैश कार्ड। तो आप उसको यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं रीड रेगुलरली, तो आप कोई न्यूज़पेपर है या कोई नॉवेल्स है या कोई बुक्स है उसको आप रेगुलरली रीड करते रहें, एक अच्छी हैबिट रहती है वैसे भी आप लोगों की, जिसके बेस पर कह सकते हैं हमारा रिटन कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं कि अपने पास नेक्स्ट है इम्प्रूव योर ग्रामर एंड यूज अप्रोप्रिएट टेंस एंड करेक्ट, यहाँ कह सकते हैं पंक्चुएशंस। तो जो पंक्चुएशंस हैं या जो ग्रामर है, ठीक है, ये जो टेंसेस है, टेंस जो है, ये सब अपने पास एकदम करेक्ट तरीके से आपको यूज करना चाहिए। इसी टाइप से कह सकते हैं ऑलवेज राइट टेक्स्ट कीपिंग योर ऑडियंस इन माइंड। तो हमेशा आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो वर्ड्स आपकी ऑडियंस को माइंड करते हुए, यानी कि ऑडियंस किस कैटेगरी की है। अगर दोस्तों आप कोई पर्टिकुलर जो मैसेज है वो छोटे बच्चों के लिए कह रहे हैं तो उसके लिए आप अलग लैंग्वेज यूज करेंगे, आप थोड़े बीच के जैसे 9th-10th के स्टूडेंट्स के लिए करें तो अलग तरीके से करेंगे। इसी तरीके से जब ये कोई आपके मैसेज, मतलब आप लार्ज अमाउंट की ऑडियंस है उसमें अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए आपके पास जो वर्ड्स है या कह सकते हैं कि जो मैसेज की फॉर्मेशन है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो इस तरीके से ही आपके पास क्या कुछ टिप्स है जिसके बेस पे आप अपनी रिटन कम्युनिकेशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों हम अभी वर्बल कम्युनिकेशन में चल रहे हैं। वर्बल कम्युनिकेशन जो आपके पास होता है, ठीक है, तो ये कह सकते हैं इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू
टू टाइप्स है, तो ये कह सकते हैं एक होता है इंट्रापर्सनल और एक होता है यहाँ पर इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है दोस्तों एक एक ऐसा मैसेज जो सिर्फ मेरे मेरे और मेरे लिए ही है और किसी के लिए नहीं। तो इसमें क्या कह सकते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो डायरी लिखते हैं, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं एक्सट्रीमली प्राइवेट होता है ये आपके पास यहाँ पर इंट्रापर्सनल मैसेज जो है, ठीक है। इसमें अपन क्या कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल है राइट अ डायरी और अ पर्सनल जर्नल। तो आपके पास जो पर्सनल जर्नल्स है या फिर आपके पास जो डायरी है जिसमें आप लिखते हैं खुद के लिए, बहुत सारे लोग दोस्तों लिखते हैं अभी भी लिखते हैं, तो वो सिर्फ खुद के लिए ताकि आप अपनी यादों को संजा के रखें और फ्यूचर में आप वापस जाकर के उसको पढ़ सके कि उस टाइम पर मैंने ये कुछ किया था, ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। तो ये जो है वो इंट्रापर्सनल कहलाता है, और एक इंटरपर्सनल होता है जिसमें हम दो लोग ग्रुप के साथ जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, लाइक मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो ये क्या है अपने पास इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, और इंट्रापर्सनल क्या है मेरे खुद के लिए। जैसे कई बार होता है ना, जैसे अगर सपोज मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरी रिकॉर्डिंग कब हुई थी, कितने बजे करी थी, कितने ड्यूरेशन की रिकॉर्डिंग मेरी हुई थी, ये सब जब मैं लिखता हूँ खुद के लिए तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ इंट्रापर्सनल, ठीक है। तो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल में क्या हो गया, इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, इट कैन बी कैटेगराइज्ड फर्दर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो स्मॉल ग्रुप में भी हो सकता है कम्युनिकेशन आपका, या फिर पब्लिक कम्युनिकेशन भी आपके पास हो सकता है। तो इस तरीके की जो आपके पास है कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, ये भी आपके पास वर्बल कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन, क्या क्या फंक्शंस है, क्यों हम यूज करते हैं, तो इसके बारे में कह सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है भाई, इसके थ्रू हमारी जो रिलेशनशिप्स होती है लोगों के साथ वो हम लोग अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, तो हेल्प्स अस मेंटेन रिलेशनशिप। उसके बाद बोल सकते हैं हेल्प्स अस ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज। तो हम कई बार अपने कॉम्प्लेक्स जो आइडियाज होते हैं वो अगर दूसरे लोगों तक शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन ही एक कह सकते हैं ऑप्शन है, जिसके थ्रू हम अपने अपने जो अपने मैसेजेस हैं वो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही कह सकते हैं हेल्प्स अस डिफाइन रियलिटी, यानी कि हम लोग जो रियलिटी उसको अच्छे से डिफाइन कर सके। हेल्प्स अस थिंक, क्योंकि जब हम लोग किसी के साथ बातचीत करेंगे तो हम सोच सकते हैं। इसी तरीके से कह सकते हैं किसी को रिवॉर्ड या पनिश करने के लिए भी हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन को यूज करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास जो पॉइंट आ रहा है वो है सेकंड। ये अब अपने पास जो है वो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिसमें हम बात करेंगे पहले नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल का क्या मतलब हो गया दोस्तों, जिसमें हम लोग जो है बॉडी लैंग्वेजेस के थ्रू बात करते हैं। जैसे मैं आपसे अगर इस तरीके से, जैसे आप देख रहे होंगे मेरी बॉडी लैंग्वेजेस के थ्रू बात करता हूं, तो ये बॉडी लैंग्वेजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। जैसे सपोज मैं गर्दन झुका रहा हूँ, मेरे हाथ को यूं कर रहा हूँ, अपना फेशियल एक्सप्रेशंस देख सकते हैं आप लोग। कई बार होता है आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे आपको पता है क्या, तो आप अपने शोल्डर ऊपर करते हो, मुझे नहीं पता, गर्दन हिला दे, तो इस तरीके से हाथ से, तो गर्दन हिला करके, हाथों से, इशारे करके, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसको यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो कह सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटिंग, या कह सकते हैं कम्युनिकेशन जो है वो किसके थ्रू होगा, विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स, यानी कि आप ओरल और रिटन को यूज नहीं करते हैं, वो जो कम्युनिकेशन है आपके पास क्या कहलाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड्स आवर बॉडी लैंग्वेज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बॉडी लैंग्वेज को यूज करेगा। इसी टाइप से जेस्चर्स हैं, या फिर आपके पास फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आपके पास आई कॉन्टेक्ट हो सकता है, इसी टाइप से पॉइंटिंग फिंगर हो सकता है, ठीक है, वॉइस हो सकता है, वॉइस में आपके पास आपकी टोन, जैसे होता है ना कई बार हम लोग बोलते हैं हम और हम इस तरीके से, तो ये जो हूं जो है ना आपके पास, किस तरीके से आप उसके ऊपर फोर्स डालते हैं, तो वो आपका जो टोन, आपकी पिच, आपका वॉल्यूम, आपका मॉड्यूलेशन, आपकी रिदम, और ये जो आपके पास सारे पॉइंट्स हैं वॉइस के, ये भी आपके पास आपके कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए ये किसका पार्ट है आपके पास, वर्बल और इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास कह सकते हैं फिजिकल कॉन्टेक्ट, यानी कि आप कई बार अपने दोस्तों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, वार्म वेलकम उसका करते हैं, तो वो एक आप उसको एक्चुअल में कहना चाह रहे हैं सच में मुझे बड़ी खुशी हुई। आपके जब रिलेटिव्स आते हैं घर पे, तो कई बार आपने देखा होगा वो आपके यूं शोल्डर पे हाथ रखते हैं, कई बार आप उनसे गले मिलते हैं, तो ये जो आपके पास है फिजिकल कॉन्टेक्ट जो है, ये भी आपके पास जो है वो वर्बल इसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी टाइप से कह सकते हैं आपकी जो अपीयरेंस है, आपकी जो ड्रेसेस है, ठीक है, आपके जो कपड़े हैं, ठीक है, आपकी जो हेयर स्टाइल है,
आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, ये सब कहीं ना कहीं हमारे पास हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट होता है जो हमारे कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग करता है। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बात करें वो है अपने पास विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन में क्या हो जाएगा, कह सकते हैं एनी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूटिलाइजिंग द सेंस ऑफ साइट इज नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ हम लोग क्या कह सकते हैं कि विजुअल कम्युनिकेशन में क्या हो सकता है, हम लोग यहाँ किसको यूज करते हैं, पर्टिकुलर कुछ चार्ट को, ग्राफ को, ग्राफ जैसे ग्राफ हो गया, चार्ट हो गया, मैप हो गया, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गई, या फिर कोई प्रोजेक्टर्स को यूज करें, स्मार्ट बोर्ड को यूज करें, ठीक है, व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड को अपन यूज करें, कोई मॉडल अपन मॉडल्स को यूज करें, ठीक है, पेपर हैंडआउट्स को यूज करें, तो ये सब मतलब जो अपन इंफॉर्मेशन जो शेयर करते हैं जिसके थ्रू हम कोई इमेजेस वगैरह ये सारी चीजें बता करके इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ये आपके पास सारे के सारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों अपने पास ये जो टॉपिक था मेथड ऑफ कम्युनिकेशन तीन टाइप के हो रहे थे। मैंने आपसे कहा है कि भाई कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन कहाँ से आया है, तो कम्युनिकेशन आया है लैटिन वर्ड है अपने पास कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है टू शेयर, तो वहां से अपने एक वर्ड उठाया कम्युनिकेयर से कम्युनिकेशन, जिसका मतलब है अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने मैसेज को, अपने व्यूज, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को किसी दूसरे पर्सन तक, दूसरे ग्रुप तक या कुछ लोगों तक अपन को शेयर करना होता है। बेसिकली तीन तरीके अपन यूज करते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन। तो आई होप दोस्तों ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस तरीके से आज हम लोग जो है वो इस वीडियो में इतना ही देखने वाले हैं। इन केस दोस्तों आपके माइंड में कोई भी इश्यूज हो तो आप यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों उसको लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी पॉजिटिव कमेंट आप देना चाहें जिससे कि कहीं ना कहीं मुझे और मोटिवेशन मिले कुछ अच्छे वीडियोस आप तक लाने के लिए, वो जरूर दोस्तों आप कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।